हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो भाई क्या हाल चाल है सभी के एक बार जोरदार तरीके से कमेंट कर दो बता दो कैसे हैं सभी और क्या अभी तक की सभी क्लासेस आप इन्जॉय कर रहे हैं जो बच्चे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं जाके जरूर से देखो क्योंकि भाई अगर पहले की क्लासेस देखोगे तभी तो आपको बाद की क्लासेस समझ में आएंगी तो यहाँ पे आज क्या टॉपिक लेके आए हैं आज बात करने वाले हैं कि भाई द्विघात समीकरण के हल हम किस प्रकार से प्राप्त करें अभी तक हमने इसकी दो विधियां देख ली थी एक विधि सबसे पहले हमने क्या देखा था गुड़न खंडन विधि सेकंड विधि हमने क्या देखा था पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि और तीसरा विधि हम यहाँ पे देख रहे हैं द्विघात सूत्र ठीक है तो द्विघात सूत्र द्वारा किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों का हल कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे द्विघात समीकरण को हम बना कैसे सकते हैं ठीक है द्विघात समीकरण को हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो भाई मुख्य रूप से हमने यहां पे हल करने के लिए जो विधियाँ पढ़ी है उसमें सबसे पहले गुणन खंडन विधि हमने कर लिया था ठीक है गुणन खंडन विधि सेकंड हमने यहां पे कौन सा कर लिया था यहां पे हमने कर लिया था पूर्ण वर्ग विधि ये हमने कर लिया था अब यहां पे जो हमारा द्विघात सूत्र है यह हम पूर्ण वर्ग विधि के ही सहायता से निकालने वाले हैं। सूत्र जो है इसको हम भाई पूर्ण वर्ग विधि के सहायता से निकालने वाले हैं अब जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, सर द्विघात सूत्र में पहली बार सुन रहा हूं उनके लिए बता दूं कि कुछ बच्चे इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते होंगे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी आप इसे जानते होंगे ठीक है तो चाहे आप द्विघात सूत्र कह लो या श्रीधराचार्य सूत्र कह लो बात एक ही है ठीक है और इसको हम कहां से निकालने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम यहाँ पे निरूपित करने वाले हैं तो ये बेटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द्विघात सूत्र को किस प्रकार से हम निरूपित करें हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ दें और अगर आप ये सीख गए कि पूर्ण वर्ग विधि से हम द्विघात सूत्र कैसे निकाले तो आपको द्विघात सूत्र का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से जो विधियों के बारे में बात कर रहे थे वो तो हमने यहाँ पे सीख लिया है अब यहाँ पे सीधे चलते हैं द्विघात सूत्र प्राप्त करने के बारे में किस प्रकार से हम द्विघात सूत्र प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो ये हमारे पास क्या है एक द्विघात समीकरण है यहां पे देख सकते हैं अधिकतम घात यहां पे क्या है अधिकतम या घात यहां पे है दो हमारे पास ठीक है इतना तो सभी को अच्छे से पता ही है अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब मैं बात करता हूं पूर्ण वर्ग विधि की जब मैं बात करता हूं पूर्ण वर्ग विधि की सबसे पहली बात अगर आप लोगों को याद होगा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको यह बताया था कि भाई जो x वर्ग का गुणांक है x वर्ग का जो गुणांक है एक होना चाहिए ठीक है x वर्ग का जो गुणांक है बेटा एक होना चाहिए बात ठीक है अब यहां पे सिंपली आप लोग जानते हो कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं एक्स वर्ग के गुणांक को ए लाने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं ए से समीकरण को भाग देने पर करेक्ट ए से समीकरण को भाग देने पर तो ए से हम इस पूरे समीकरण को क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा भाई यहां से सिंपली देख सकते हो ए एक्स का वर्ग है ए से भाग दे दो फिर है बी एक्स ए से भाग दे दो फिर है सी ए से भाग दे दो और बराबर जीरो करेक्ट अब यहाँ से ध्यान दोगे तो ए से a कैंसिल हो जाएगा और शानदार तरीके से भाई एक्स का वर्ग जो है इसका गुणांक एक मिल गया ठीक है अब इसके गुणांक में और कुछ नहीं है एक है फिर आगे देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बी बटे ए गुणा में एक्स तो x का गुणांक क्या मिल गया आपको b बटे A मिल गया और फिर क्या है c बटे A हमारे पास अचर पद है बराबर जीरो। पूर्ण वर्ग विधि का दूसरा शानदार सा नियम हमने क्या बताया था दूसरा नियम हमने बताया था भाई कि चर पद जो है एक तरफ और अचर पद जो है सबसे पहले दूसरे तरफ कर लो ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहे ठीक है तो यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो चर पद x का वर्ग धन b बटे एक्स इसको एक तरफ रहने दो अचर पद को इधर कर दो तो c बटे इधर पक्षांतर हो जाएगा और इसमें ऋणात्मक चिन्ह भी आ गया ठीक है तो ये हमारे चर और अचर पर एक एक तरफ हो गए चलो भाई बहुत बढ़िया इतना तो क्लियर है अब यहाँ पे हम क्या करते हैं हम यहाँ पे सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं कौन सी सर्वसमिका सर तो बेटा सर्वसमिका ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग बराबर ए धन बी पूरे का वर्ग इसका यूज करते हो ठीक है तो भाई ए के वर्ग को देख सकते हैं यहाँ पे है ए की जगह में एक्स है ठीक है अब बात आती है दो ए बी कैसे आएगा सर तो दो ए बी कैसे ला सकते हैं सबसे पहले दो का गुड़ा कर दो सामने कर दिया गुड़ा बहुत बढ़िया ठीक है इसके बाद ए कौन है हमारे पास एक्स ए है तो एक्स को ला दो ठीक है और बी बटे ए है तो दो का ऊपर में गुणा किया तो नीचे में भाग भी करना पड़ेगा तो बी बटे में दो ए हमारे पास आ जाएगा बात ठीक है बी बटे में दो ए हमारे पास आ जाएगा अब यहां से देख सकते हैं दो ए बी आ गया अब सर हमको एक चीज नहीं दिखाई दे रहा है जो है क्या जो है बी का वर्ग तो कैसे करें? भाई लास्ट टाइम क्या बताया था कि भाई b के वर्ग को दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है दोनों पक्षों में तो यहां से भाई b के जगह में क्या दिखाई दे रहा है आपको देखो ये आपके a के जगह में है a तो का वर्ग ये देखो दो a की जगह में x और जो b हमारे पास होता था उसके जगह में पूरा b बटे ए है करेक्ट तो क्या करोगे बी बटे ए के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ दोगे तो एक पक्ष में इधर जोड़ दिया एक पक्ष में इधर जोड़ा दूसरे पक्ष में ऋण सी बटे दो सॉरी ऋण सी बटे ए है ठीक है भाई ऋण सी बटे ए को रहने देते हैं और हम किसको जोड़ेंगे इसी को फिर उधर भी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास धन बी बटे दो ए और पूरे का वर्ग ठीक है इसको हम क्या कर रहे हैं देखो दोनों पक्षों में यहां पे जोड़ रहे हैं ठीक है तो यहां से अगर ध्यान दोगे तो ये आपका कौन सा रूप मिल गया बी वर्ग वाला रूप मिल गया ठीक है आई होप इतना सभी बच्चों को क्लियर है ए का वर्ग धन दो ए बी और धन बी का वर्ग मिल गया सर चाहिए क्या हमें अब देखो भाई ये वाला रूप तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है अगर ये वाला रूप अगर आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तो ये वाला पक्ष के तहत ए धन बी पूरे का वर्ग आ जाएगा तो भाई ए के जगह में एक्स है बहुत बढ़िया एक्स लिख लो बी की जगह में क्या है बी बटे दो ए है बी बटे दो ए इसको लिख लो और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं बराबर क्या है हमारे पास बराबर है देखो बी का वर्ग ठीक है बटे में दो ए का वर्ग तो क्या हो जाएगा ये चार ए का वर्ग फिर है ऋण सी बटे ए फिर है ऋण सी बटे ए लिख लिया अब यहां से देख सकते हैं एक पक्ष में आपको पूर्ण वर्ग मिल गया है बेटा पूर्ण वर्ग विधि में हमको यही तो चाहिए होता है दूसरे पक्ष में हल करो तो बेटा लस अवर निकालो चार ए का वर्ग है चार ए है कितना मिलेगा लस अवर चार ए का वर्ग यहां से आ जाएगा आपका बी का वर्ग यहां ए है तो चार ए का ऊपर में गुड़ा होगा तो ये आ जाएगा चार ए और सी ठीक है अब यहां से भाई ये सारा मामला हमको क्लियर हो गया यहां तक सभी चीजें हमको समझ में आ गई अब यहां पे क्या करेंगे अब यहां पे हम करेंगे अब यहां पे हम वर्ग मूल लेंगे क्योंकि एक तरफ हमारे पास वर्ग है तो हमें क्या लेना पड़ेगा वर्ग मूल लेना पड़ेगा तो यहां से हम लिखेंगे वर्ग मूल लेने पर वर्ग मूल लेने पर ठीक है तो देखो जब हम वर्गमूल लेने की बात करेंगे जब हम वर्गमूल लेने की बात करेंगे तो यहाँ से भाई वर्गमूल दोनों पक्षों में जब लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से x धन b बटे में दो ए हमारे पास आ जाएगा जब इस तरफ वर्गमूल लोगे तो x धन b बटे दो ए हमारे पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ से वर्ग हट जाएगा दूसरे तरफ चलो दूसरे तरफ देखो वर्गमूल लिया तो b का वर्ग ऋण चार ए सी बटे में देखो क्या है चार ए का वर्ग है ठीक है अब यहां से देख सकते हैं x धन b दो ए बराबर भाई ऊपर में जो अंश में है ये तो वर्गमूल में ही रहेगा ठीक है करेक्ट और नीचे में जो हर में है ये चार ए का वर्ग था तो किस रूप में आएगा दो ए के रूप में आ जाएगा चिन्ह हम यहां पे भूल रहे हैं और चिन्ह को हमेशा याद रखना है आपको क्योंकि चिन्ह लगाओगे तभी आपको यहाँ दो मान मिलने वाले हैं तो चिन्ह क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा धन ऋण का क्योंकि हमने क्या किया वर्गमूल लिया तो धन ऋण का यहां पे चिन्ह आ जाएगा अब बचा यहाँ पे b बटे दो ए क्या करोगे भाई उसे भी पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा ऋण b बटे में दो ए आगे में धन ऋण वर्गमूल में b का वर्ग ऋण दो ए सी दो ए नहीं भाई कितना चार ए सी चार ए करेक्ट और बटे में दो ए अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो ए और ये दो ए दोनों हर में हैं तो भाई अलग अलग समान हर हैं तो साथ में ले सकते हैं तो ये हमारे पास पूरा हमारा अंश बन के आ गया और बटे में आ गया दो ए करेक्ट है क्या आ जाएगा दो ए आ जाएगा ठीक है क्या आ जाएगा ठीक है दो ए आ जाएगा तो x का जो मान है ऋण b धन ऋण वर्ग मूल में b का वर्ग ऋण चार इसी बटे में दो ए आया करेक्ट तो यहां पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा सूत्र आया है कहलाता है द्विघात सूत्र क्या कहलाता है हमारे पास द्विघात सूत्र या इसी को हम जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से द्विघात सूत्र को ही हम किस नाम से जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से श्रीधराचार्य सूत्र ठीक है आप बोलोगे सर यहां पे ए बी और सी क्या है तो बेटा आप तो सभी के सभी अच्छे से जानते हो यहां पे जो हमारे पास ए बी सी होता है वह इस मानक समीकरण का ए बी सी होता है ये जो हमारे पास मानक समीकरण होता है इसी का जो ए बी सी है मतलब एक्स वर्ग का गुणांक एक्स का गुणांक बी और अचर पथ सी इसके मानों को हम इस सूत्र में रखते हैं और हमें डायरेक्ट यहाँ एक्स के दो मान मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में धन और ऋण चिन्ह है तो यहाँ पे हमें दो मान मिल जाएंगे तो अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे करें तो इसके प्रयोग के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल आप लोग भी ट्राई करके देखना क्योंकि भाई इससे डायरेक्टली आपके आंसर निकल के आ जाते हैं लेकिन हमेशा याद रखना ये जो सूत्र आपने निरूपित किया है वो कहाँ से किया है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही आपने निरूपित किया है ठीक है चलो भाई अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पहला एक उदाहरण ले लेते हैं दिया है दो एक्स का वर्ग धन पांच एक्स ऋण तीन बराबर जीरो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे ए बी और सी पहचानना तो बेटा ए का मान क्या है देखो एक्स वर्ग का गुणांक ए है तो ए का मान दो है एक्स का गुणांक बी है तो बी का मान पाँच है और अचर पद सी है तो क्या है भाई ऋण तीन है बात सही है क्या क्लियर है ये हमारे पास ए बी और सी के मान है अब यहाँ पे श्री धराचार्य या फिर द्विघात सूत्र लगाएं तो हम जानते हैं चूँकि x बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल में बी वर्ग ऋण चार ए सी बटे में दो ए ये क्या होता है द्विघात सूत्र होता है द्विघात सूत्र से क्या लिखेंगे हम द्विघात सूत्र से ये सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है अब यहां पे आपको सिंपली मान रख देना है तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर ऋण बी दिया है तो b की जगह में पांच रखोगे धन ऋण वर्गमूल, फिर क्या दिया है बी का वर्ग दिया है क्या आ जाएगा पांच का वर्ग आ जाएगा ऋण चार ए सी दिया है तो चार गुड़ा ए का मान दो ठीक है और सी का मान कितना ऋण तीन करेक्ट पूरे के बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास दो ए तो दो गुड़ा ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास दो आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा दो तो यहां से आ जाएगा x बराबर ऋण पाँच धन ऋण वर्ग मूल में पाँच का वर्ग हो जाएगा पच्चीस ऋण यह हमारे पास देखो ऋण चिन्ह और यहां पे भी ऋण चिन्ह है तो ऋण ऋण क्या हो जाता है धन चिन्ह तो ये हो जाएगा धन चिन्ह चार दुनिया आठ और आठ दिया चौबीस ठीक है कितना हो गया चौबीस और बटे में दो का वर्ग कितना आ गया चार आ गया हमेशा याद रखना आपको धन चिन्ह अलग लेना है और आपको ऋण चिन्ह अलग लेना है दो चिन्ह है दोनों का अलग अलग प्रयोग करोगे तो यहां से आ जाएगा x बराबर ऋण पांच यहां धन चिन्ह लोगे। तो क्या आ जाएगा बटे तो में, में कितना है चार है हल करोगे तो क्या आ जाएगा ऋण पांच धन भाई वर्गमूल मूल उनचास है मान कितना आएगा सात आएगा बटे में चार तो एक्स का मान कितना आ गया ऋण पांच और सात दो बटे चार हल एक बटे दो मिला x का एक मान हमें कितना मिल गया एक बटे दो मिल गया दूसरा मान देखते हैं भाई दूसरा मान कैसे निकालोगे ऋण चिन्ह लेकर तो ऋण पांच ऋण वर्गमूल उनचास बटे में चार तो यहां से हम देख सकते हैं ऋण पांच ऋण सात में चार सात पांच कितना भाई बारह तो ऋण बारह में चार हल करेंगे तिया बारह तो एक्स का मान कितना आ गया? तीन आ गया. इसका क्या मतलब है मैंने यही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था जिसमें एक्स का मान एक बटे दो और हमें ऋण तीन जो है प्राप्त हो रहा था अब यहां से देखो भाई यहाँ पे एक्स के जो मान आए हैं हमारे पास वो के किस प्रकार के आए हैं वास्तविक संख्या के रूप में आए हैं आसानी से परमे संख्या हमको देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे जो वर्गमूल है है इसका हमें मान पता है जो कि उत होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन के उचित मान आपको नहीं मिलते हैं या उस वर्ग के मान आपको ज्ञात नहीं होते हैं तो कुछ थोड़े डिफिकल्ट टाइप के भी आंसर आपको देखने को मिलेंगे तो भाई यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं इसी द्विघात सूत्र को लगाकर ठीक है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप क्वेश्चंस करिए और अगर कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे इसे सेंड कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा तो बेटा इसी प्रकार की और क्लासेस के लिए देखते रहिए पढ़ के तो देख मिलते हैं अगली क्लास में